इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ एक हरफन मौला स्टार्टअप मौजूद हैं। इनके एक तो ये ई प्लांट पे जो है वो उनका स्टार्टअप है, इसके साथ ये कहते हैं कि हरफन मौला है। इनसे जानेंगे, मोहसिन नाम है इनका, और इनसे पहले इनके जो स्टार्टअप है उस हवाले से जानेंगे, और दूसरा जो उनका फ़न है जिसको हरफन मौला कहते हैं उसमें ये क्या करते हैं इस हवाले से इनसे बात करेंगे। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो स्टार्टअप के हवाले से बताइएगा कि ई प्लांट बेसिकली ये जो स्टार्टअप है क्या है, और ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके ये कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? ई प्लांट बेसिकली एक स्मार्ट फार्म मॉनिटरिंग एंड इरीगेशन सिस्टम है। इसके अंदर किसान घर बैठ के अपनी फसलों की कंप्लीट मॉनिटरिंग ले सकते हैं। 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम वो सारे पैरामीटर्स हमारी डिवाइस उन्हें मॉनिटर करती है और सारी इन्फॉर्मेशन किसान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उसको शो ऑफ करवाएगी। अब ये ऑटोनोमस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर ज़मीन को पानी चाहिए तो हमारी डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली ट्यूबवेल को सिग्नल सेंड करेगी और वो उसे पानी देगा, और कंप्लीट पानी रिसीव करने के बाद जितना उसको रिक्वायर्ड है उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्यूबवेल है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारा कंप्लीट सिस्टम ऑटोमेटिक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप ये तमाम तर जो मॉनिटरिंग है ड्रोन के ज़रिए करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी एक डिवाइस है बेसिकली जो कि फसल के अंदर लग जाएगी और वंस वो इंस्टॉल हो जाएगी तो 100% मॉनिटरिंग उसके थ्रू ही वहाँ पे होगी। ये बेसिकली डिवाइस है। हाँ। एक मतलब एक खेत में आप कितनी डिवाइसें जो हैं वो वहाँ पे नस्ब करते हैं? रिकमेंडेड जो है 1 एकड़ के अंदर 1 डिवाइस है। फर्दर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि फसल कौन सी है और क्या कंडीशन है उस फसल की। कितना फीडबैक कितना आया कि जितने फार्मर्स को कितना फ़ायदा हुआ कि मतलब उनका टाइम सेव होता है? ज़्यादातर टाइम सेव के अलावा इसमें और क्या फ़ायदा है? राइट नाउ ये रिसर्च फार्म्स, बिकॉज प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव, तो राइट नाउ ये रिसर्च फार्म्स और R&D फार्म्स और ऑर्चर्ड्स और ग्रीन हाउसेज में यूटिलाइज हो रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून इन द अपकमिंग डेज यू विल सी कि हमारे जो रोज़मर्रा के फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो भी इसको यूटिलाइज करेंगे। की बचत के अलावा इसमें और क्या फ़ायदा है फार्मर्स के लिए? आपको आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हो कि हमारी फसल को कौन सी बीमारी लगने वाली है या लग सकती है, क्योंकि आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके पास सारा डाटा है, आप अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हो। वेदर इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर ऐड की जा सकती है कि कल बारिश है तो आज मैं पानी ना लगाऊं, तो ये सारी ओवर वाटरिंग से बचने के लिए, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो हो गया आपका ई प्लांट स्टार्टअप। दूसरा जो आप हरफन बोला है, आपने ड्रोन भी तैयार किए हुए हैं, आप कहते हैं जनाब जी आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई भी आइडिया है टेक के रिलेटेड, आप मुझे बताएं, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा, इस हवाले से बताइएगा। मेरी कंपनी है इन्वेंटरनेस के नाम से। हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो अपनी क्यूरीज या आइडियाज़ लेके आते हैं। हम उससे फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, ये स्टेप वन होता है। उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं और टेस्टिंग के बाद क्लाइंट को भेज देते हैं। वंस वो अप्रूव करता है उसको, फिर हम उसकी मैस प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा बेसिकली काम यह है आइडिया टू लाइफ। हम आइडिया से लेके एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने तक और मैस प्रोडक्शन बनाने तक का सारा प्रोसेस हम एक वन स्टॉप शॉप सर्विसेज दे रहे हैं। तो किसी के जहन में आपने कहा कि आपका क्लाइंट आया कि उसको ड्रोन चाहिए जिसमें डिलीवरी का काम करना है, हेल्थ केयर वाले से उसने काम करने, तो आपने उसे कैसे सेटिस्फाई किया? वेल, ये मेरा क्लाइंट था, ही वाज फ्रॉम US, और उसने बेसिकली मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो कि ऑटोनोमस हो। मैं उसको फॉर एग्जांपल यहाँ से बैठ के कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, वो उस पर खुद पहुँचे और जाके जो भी मैं उसे मिशन दूँ वो कंप्लीट करे। उसके बाद हमें फर्दर एडिशंस थी कि हमें इसे इसका पेलोड इतना बनाना है कि एटलीस्ट ये 1 kg तक उठा सके। तो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये ड्रोन डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली मल्टीपल पर्पस ड्रोन है। ये कैपेबल है कि ये डिलीवरीज भी कर सकता है, ये एग्रीटेक में भी यूटिलाइज हो सकता है, मेडिक्स में भी यूज़ हो सकता है, डिलीवरी में भी यूज़ हो सकता है, हर जगह पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा आपने कुछ और चीज़ें प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं? ये बेसिकली ये ट्रक लाइट प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम ट्रक की लाइट्स डिज़ाइन कर रहे हैं। 22-व्हीलर ट्रक जो होता है उसके राइट साइड पे जब आप इंडिकेटर देते हो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट साथ में आने वाले को पता चल सके कि कौन है तो वहाँ पे यूज़ होगा। ये बेसिकली सिक्योरिटी कैमराज का UPS है। ये एक प्रोटोटाइप है तो इसलिए साइज़ में बड़ा है, कम्पैक्ट होकर बहुत छोटा हो जाएगा रियल प्रोडक्ट में। और इसके अंदर बेसिकली ये है कि जब आपके पास सिक्योरिटी कैमरा और वहाँ पे आप पावर नहीं देना चाहते तो आप क्या करोगे, आप इथरनेट की केबल से ही जस्ट इसको पावर दे दोगे, आपको कोई सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक न्यू काइंड ऑफ डिवाइस है, यू विल नेवर सी इन द मार्केट। और ये बेसिकली आपके पास घर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल फ्रिज है, एसी है, एसी नहीं फ्रिज है, LED है, कोई टूटने वाली चीज़ है, गुलदान है, आप चाहते हो आपका पेट उसके पास ना जाए तो आप ये एक डिवाइस उठाओगे, नोड, इसको हम नोड कहते हैं। ये नोड आप उस इंपॉर्टेंट चीज़ के पास रख दोगे, ये कॉलर डिज़ाइन हो जाएगी। जब ये कॉलर डिज़ाइन होगी तो एग्जैक्टली ये क्या करेगी, जैसे ही डॉग उसके पास जाएगा और ये नोट उसे बोल के बताएगी भाई पीछे हट दो, और अगर फॉर एग्जांपल वो कमांड को नहीं मान रहा तो ये मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑनर के मैसेज सेंड कर देगी और वहाँ से कॉल पे आ जाएगा, ऑनर और डॉग को खुद कमांड देगा। इसके अंदर एड ऑन फीचर है कि ये करंट भी देता है, शॉक लगाएगा अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हमारे साथ एक और जो है स्टार्टअप मौजूद हैं और इनकी जो बेसिकली फोकस है कलर मार ज़मीन। जैसे आपने एक सेम थोड़ ज़मीन सुनूंगा, ऐसे ही कलर ज़मीन होती है और ये उस पर डील करते। मुझे अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मुझे ये कलर ज़मीन जो है जैसे स्लाइड्स पे चल भी रही है, ये क्या होती है कलर ज़मीन, हमारे ऑडियंस को बताएं। दूसरा, इसके आप डील कैसे करते हैं? जी, जिन ज़मीनों में पानी खड़ा हो जाता है, सेम का पानी या ज़मीनी पानी ऊपर आ जाता है, या बाजू का सैलाब का पानी ऐसा होता है, वो आके शैलो एरियाज़ जो होते हैं, गहरे एरियाज़ उनमें खड़ा हो जाता है, तो वो ज़मीनी पानी के साथ एक कॉन्टैक्ट बना लेता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसके तहत वो कैपिलरी एक्शन कहते हैं उसे साइंस की लैंग्वेज में, तो वो जो ज़मीनी पानी है वो ऊपर आ जाता है, सॉरी, ज़मीन के जो नमकियात हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जब वो पानी खुश्क हो जाता है, नमकियात सतह के ऊपर रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है। हाँ जी, उन साल्ट को कलर कहा जाता है। ये ऐसी ज़मीनों को थोड़ा बड़ा वाली ज़मीनें भी कहते हैं बाज़ इलाकों में। तो वो जो कलर वाली ज़मीन है वो फसल देने के काबिल नहीं रहती, अगर फसल हो भी तो बहुत कम होती है। उसे ठीक करने के लिए पहले इस तरह से होता था कि नहरी पानी लगाया जाता था, वो 10-12 साल लग जाते थे कि नहरी पानी लगा के उसे ट्रीट करते रहते थे। 5-7 साल बाद वो फसल देना हल्की फुल्की शुरू करती थी, 10-12 साल में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती थी। और अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा आउटलेट अलॉट कर देती थी, लेकिन अब तो हमारे पास पानी नहीं है, हम वाटर स्केयर्स कंट्री हैं, तो हमारे पास पानी ना होने की वजह से, ताज़ा पानी, नहरी पानी ना होने की वजह से ऐसी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। हमने एक फार्मूला डेवलप किया है कलर मार, तो हम सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हैं राइट नाउ, फर्दर हम इसे लेटर जो है वो करेंगे प्रोडक्टाइज, तो हम इसे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप बना देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो ज़मीन है जिसमें कलर होता है, इसे तैयारी के बाद इसमें केमिकल्स ऐड करते हैं पानी के साथ, एक ही आबपाशी में, जहाँ से पानी गुजरता जाएगा एक ही आबपाशी में आपकी ज़मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा उस ज़मीन में कुछ ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो नमकियात हैं वो आपका रूट जोन जो होता है, जहाँ पे फसल की जड़ें रहती हैं, जहाँ से वो खुराक और पानी पीती है, वो नमकियात उससे नीचे चले जाएंगे। वैसे वो नमकियात नीचे नहीं जाते, जब हम केमिकल्स ऐड करते हैं तो उसमें उन नमकियात की नौयत चेंज हो जाती है और वो नीचे जाने के काबिल हो जाते हैं। जब वो नीचे चले जाते हैं, आपकी ज़मीन जो है वो नमकियात से पाक हो जाती है और साफ काबिल काश्त हो जाती है। अच्छा, इसमें जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, एक तो ये है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस था जो पहले वाला था, तो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि टाइम को रिड्यूस किया। जी, हम सिर्फ और सिर्फ एक आबपाशी, आप एक दिन में कर लें एक आबपाशी, आप एक घंटे में कर लें, एक घंटे में आपने आबपाशी कर ली, आपकी ज़मीन उसके बाद ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा ये है कि नहरी पानी तो हमारे पास है नहीं, या कभी फ्लड्स होते हैं और कभी हमारे यहाँ पानी की कमी होती है, तो उसमें होता कुछ इस तरह से है कि नहरी पानी ऐसी ज़मीनों तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जो रकबे पहले से आबाद हैं उन्हीं तक पानी बहुत मुश्किल से पूरा आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम इस तरह, तो इसमें हमारा जो USP है वो ये है कि जो ज़मीनी पानी है हम उसी पानी के साथ इस ज़मीन को ठीक करते हैं, और उसके बाद भी वहाँ पे नहरी पानी ना हो आप वही खादा पानी लगाते जाएं, खादे पानी से ज़मीन ठीक हो जाती है, और खादा पानी हम काबिले वो काश्त के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे कि ये दो स्टार्टअप थे और इनके आपने कारनामे देखे कि एक तो कलर ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वो ज़मीन जो बंजर हो चुकी है और काबिले काश्त नहीं होती, उसको ये काबिले काश्त बनाते हैं, और जो एक तो फार्मर का टाइम रिड्यूस होता है, जैसे कि अभी ग्रीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि वो भी जो काबिले काश्त ज़मीन है उनको काबिले काश्त में आ जाए। तो ये स्टार्टअप भी जो थे ऐसी ही जो हैं वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि जो बंजर ज़मीन है उसको काबिले काश्त बना रहे हैं।